उत्तराखंड सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने को लेकर अलग अलग तरीके अपना रही है। वही वित्त मंत्री की ओर से भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं जीएसटी अधिकारी आईएएस ब्रजवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बिल भी सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना भी निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फरवरी माह का लकी ड्रॉ अब मार्च में किया जाएगा और जिसके लिए अभी तक 19,000 से भी अधिक बिल अपलोड किए जा चुके हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि हम ग्राहकों को जागरूक करें कि वो अधिक से अधिक बिल लें। बिल लेगा, अगर ग्राहक बिल लेगा तो उसके बाद जो व्यापारी जो है अगर बिल नहीं काटता है तो बिल नहीं काटता तो टैक्स नहीं मिलता है, बिल काटेगा तो हमें जरूर टैक्स मिलेगा। और तो मेन उद्देश्य ये है कि तीसरे लोगों को जागरूक करें, जागरूक करके बिल लें, बिल लेंगे तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और जो है लोग जो है यूज टू हो जाएंगे बिल लेने के लिए, और हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं व्यापारी वर्ग वो भी जो है उनकी जो आदत भी जो है बिल जारी करने